To our chapter of family affairs, chapter number 21. इस chapter में हम पढ़ेंगे family affairs के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं. इस जो हमारा first है इसमें से हमें क्या दिया गया है, pictures दी गई है और इसके अंदर जो fathers का जो profession है वही या तो उसके brother ने ले लिया है या उसके sister ने ले लिया है या फिर उसके किसी सन ने ले लिया, उसके बेटे ने ले लिया है. उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें हम क्या होता है कि जैसे देखा होगा मोस्टली क्या होता है कि जो प्रोफेशंस होते हैं, जो घर में कोई काम कर रहा है जैसे डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर ही बनता है. इसी तरह से क्या है, ये प्रोफेशंस होते हैं जो क्या कर लेते हैं, अडोप्ट हो जाते हैं कि आगे कंट्री में चले जाते हैं. इसमें हम करेंगे. अब जो फर्स्ट है हमारा, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, मतलब कि सबसे बेस्ट बैट्समैन था. इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड, इंडिया ने उसे प्रोड्यूस किया था और वो कैप्टन भी था इंडियन टीम का. ही सन स्टार्टेड प्लेइंग, उसके बेटे ने क्रिकेट प्ले करना शुरू किया था फर्स्ट क्लास में. और वो कहाँ से था, कलकत्ता से था, लेकिन उसकी स्किल क्या थी, नॉट मैच नहीं हो रही थी उसके फादर के साथ में. तो इसी वजह से क्या बन गया था, वो एक बिकम स्पोर्ट कमेंटेटर बन गया. तो ये कौन था हमारे, ये थे हमारे सुनील गवास्कर थे और उनका बेटा कौन था, रोहन गवास्कर. सेकंड है हमारा, ही इज़ द स्टाइलिश ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन. ये क्या था, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन था, स्टाइलिश था. जो ही एल्डर ब्रदर था उसका, जो निक नेम था टुगा, टग ऑफ वार. बोथ मेड अ जॉइंट अपीयरेंस ऑफ, इन्होंने दोनों ने क्या किया, जॉइंट अपीयरेंस की पोर्ट ऑफ स्पेन, स्पेन के पोर्ट में इन 1990 और 91 में. ये कौन थे, स्टीव वॉग और मार्क वॉग थे. अब डैशिंग ब्रदर्स फ्रॉम बड़ौदा, ये दो क्या थे, दो ब्रदर थे बड़ौदा से. वो था, ये ऑलराउंडर भी थे और हार्ड हीटर भी थे, बॉल को हार्ड हिट करते थे. ये हमारे कौन थे, इरफान पठान थे और यूसुफ पठान थे, ये दोनों क्या है, ब्रदर्स हैं. ही वॉज थ्री टाइम्स वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन. ये क्या था, थ्री टाइम्स मतलब कि तीन बार क्या है, हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुका है. और ये इस उन्होंने एक सॉन्ग भी लिखा है, आई एम द किंग, ये काफ़ी पॉपुलर भी हो चुका है. हिज डॉटर इज़ आल्सो आ, जो उसकी बहन थी, उसकी बहन भी क्या गई थी, बॉक्सिंग में ही गई थी, बॉक्सिंग एथलीट बन गई थी. ये कौन थी, लैला अली और मोहम्मद अली. अब ये क्या है, दी सिस्टर्स हैव रूल्ड द वुमेन टेनिस. जो ये क्या है, इसकी सिस्टर ने क्या किया था वुमेन टेनिस, अबाउट अ डिकेड नाउ ये रूल किया था. दे हैव वॉन, ये जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए थे उसने सारे जीत लिए थे. ग्रैंड स्लैम क्या होती है, ये गेम के राउंड होते हैं, मतलब कि गेम होती है कि इसके अंदर ये वाला लेवल है. द यंगर वन इज़ आल्सो, और उसके जो यंगर वन क्या थी, फैशन डिज़ाइनर थी. ये हमारे कौन थे, वीनस विलियम्स और सरेना विलियम्स थी, ये सिस्टर्स थी. दीज ब्रदर्स वर द बडिंग प्लेयर ऑफ जिम्बावे टीम. ये क्या था, बडिंग प्लेयर था जिम्बावे टीम के अंदर. द एल्डर वन वॉज द कैप्टन ड्यूरिंग द 90s. जो एल्डर वन था वो क्या था, 90s में क्या था, कैप्टन था. और यंगर इज़ द प्रोफिलिक बेस्ट मैन, और वो क्या था, जो यंगर वन था ये क्या था, एक प्रोलिफिक क्या था, बेस्ट मैन था, मतलब कि ये काफ़ी अच्छा आदमी था. ये स्कोर किया इन्होंने डबल सेंचुरी अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1995 में, स्कोर की टू लीड जिम्बावे को इन्होंने हराया था. फर्स्ट एवर ये टेस्ट विक्ट्री थी. ये कौन थे हमारे, एंडी फ्लावर और ग्रैंट फ्लावर थे, ये दोनों क्या थे, ब्रदर्स थे. ये हमारे ये चैप्टर, मतलब कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि फैमिली अफेयर्स होते क्या है, कि फैमिली के अफेयर्स को क्या करना, फैमिली के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लेना.